Hi, this is Vikas Bhipuri and you're watching Oxford English. दोस्तों आज की क्लास कम्पिटिटिव इंग्लिश का क्लास है। जैसा कि आप सबको पता है कि कम्पिटिटिव इंग्लिश में मैं पढ़ा रहा हूं एक्टिव और पैसिव, यानी आज भी मैं पढ़ाने वाला हूं एक्टिव और पैसिव। लेकिन महत्वपूर्ण बात, आज एक्टिव पैसिव के जिस रूल पे मैं चर्चा करने वाला हूं, अक्सर देखा जाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस रूल को नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए रूल्स को बड़े ध्यान से देखना, बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। एक्चुअली कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे रूल से क्वेश्चंस आपके होते हैं, इसलिए चलो मैं बिना आपके टाइम को वेस्ट किए हुए आपको ले चलता हूं आज के रूल की तरफ और दिखाता हूं क्या है रूल और कैसे उस एक्टिव से पैसिव हम बनाते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस है, मैं बताता हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना जरूरी रहता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे, अगर सेंटेंस में इट इज इम्पॉसिबल से सेंटेंस स्टार्ट हो और उसके बाद आपको क्या मिल जाए, टू प्लस बी वन यानी इन्फिनिटी बी टू मिल जाए या फिर ऑब्जेक्ट मिल जाए। इस पैटर्न पर अगर सेंटेंस बैठा रहे और इसे आपको एक्टिव से पैसिव बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल है। देखो आप इट इज इम्पॉसिबल सब में देख रहे हो, है जी हाँ, रहेगा यहां टू प्लस वी वन है, ये हो जाता है इन्फिनिटिव, हो जाता है इन्फिनिटिव, हो जाता है इन्फिनिटिव बिट टू है। व्हाट इज दिस, दिस इज इन्फिनिटिव बिट टू। यहां पर भी देखो इट इज इम्पॉसिबल है, यहां पर इन्फिनिटिव है, ये इट इज इम्पॉसिबल है, इन्फिनिटिव है, इट इज इम्पॉसिबल है, इन्फिनिटिव है, ये देखो यहां पर ये इन्फिनिटिव है, ये ध्यान में रखना, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। यहां पर ये इन्फिनिटिव बिट टू है और इसके बाद जो ये टर्म हमारा है, ये वाला टर्म हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये वाला हमारा टर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले आप देखो कि अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आ जाए, ऐसे सेंटेंस कहने का मतलब इट इज इम्पॉसिबल से स्टार्ट हो फिर इन्फिनिटी आ जाए फिर ऑब्जेक्ट आ जाए, बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का। तो देखो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप लिखो ही, यहां पर लिखो कैन, फिर लिख दो नॉट, बी और ये जो इन्फिनिटिव है यहां पर जो बी वन है इसको लेकर के इसका थर्ड फॉर्म लगा दो टॉट, यानी क्या हो जाएगा, ही कैनॉट बी टॉट। क्वेश्चन इट इज इम्पॉसिबल टू टीच हिम, इसका पैसिव बन जाएगा ही कैन नॉट बी टॉट। सेकंड सेंटेंस पे आ जाओ, फिर यहां से सी ले लो, फिर लिख दो कैन नॉट बी और फिर यहां पर लिख दो बीटन, सी कैन नॉट बी बीटन। इस सेंटेंस में देखो इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, यहां से दिस ले लो, दिस लगा दो कैन नॉट बी और क्या लगा दो यहां पर डन, फिर आप यहां से ले लो इट, फिर लिखो कैन नॉट बी, फिर लिखो सॉल्व, फिर यहां से आप दैट को ले लो, फिर लिखो कैन नॉट बी, कांट बी और फिर लिख दो डन। ऐसे करके सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। अब एक बात ध्यान में रखना, कभी कभी सेंटेंस पास्ट टेंस में आ जाएगा, मान लो सेंटेंस ऐसा कुछ आ जाए इट वॉज इम्पॉसिबल टू डू दैट, घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज कर देना, यहां पर आपको लिखना है दैट, फिर कैन नॉट की बजाय लिख देना है कुड नॉट, फिर लिख देना बी और फिर लिख देना डन। दोस्तों इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को आप पैसिव बना सकते हो एक्टिव से, लेकिन सबसे पहले कि आपको पहचानना पड़ेगा अगर सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो, इट इज इम्पॉसिबल से स्टार्ट हो फिर इन्फिनिटिव करके ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप ऐसे रूल को यूज करके आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। दूसरा रूल मैं समझाता हूं, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो या फिर कॉपी पर नोट कर लेना, नोटबुक पर नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाता हूं बताता हूं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन के टाइप को पहचानने की कोशिश करो, सबसे महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन के टाइप को पहचानना। अगर तुम क्वेश्चन के टाइप को पहचान लोगे तो एक्टिव से पैसिव बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। एक्चुअली देखो जरा यहां पर क्या है, ये हमारा सेंटेंस है इट इज योर ड्यूटी, यहां पर देखो टू नो है, यहां पर टू नो, फिर हाउ है, फिर टू डू है और इट है। यहां पर ध्यान से देखो ये क्या होता है, ये इन्फिनिटिव होता है, व्हाट इज दिस, दिस इज इन्फिनिटिव विद टू है, यहां पर भी हाउ है और फिर क्या है इन्फिनिटिव है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा अगर सेंटेंस इस पैटर्न पर बैठ जाए। यानी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो जाए, इट आ जाए, इज आ जाए, वाज आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा ओके और फिर यहां पर नाउन रहेगा और सेंटेंस अगर इस पैटर्न को फॉलो करे तो इसको कैसे पैसिव बनाएंगे ये सवाल उठेगा। देखो ये जो है ना पॉजिटिव एडजेक्टिव, इससे सब्जेक्ट क्रिएट कर लो, जैसे कि मैंने क्रिएट कर लिया यू, अब ये इज हमारे पैटर्न पर बैठा हूं इसलिए लगा दो आर और अपने मन से एक शब्द जोड़ दो सपोज्ड। एक्चुअली होता क्या है कि पैसिव बनाने के लिए आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है, इसलिए आपको लिखना पड़ता है यू आर सपोज्ड, इस इन्फिनिटिव को जैसे नीचे ला दो जैसे है उसी फॉर्म में, यू आर सपोज्ड टू नो, हाउ को फिर नीचे ला दो हाउ और इसको पैसिव बना दो शुड के पैटर्न पर, यानी सब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट इट जोड़ो शुड और फिर बी लगा के ये वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा दो डन। यानी हमारा क्वेश्चन था इट इज योर ड्यूटी टू नो हाउ टू डू इट, हमारा आंसर हो गया यू आर सपोज्ड टू नो हाउ इट शुड बी डन।
कई क्वेश्चंस में बना के दिखाता हूँ और आप अगर देखोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आप भी बड़ी आसानी से एक्टिव से पैसिव बना सकते हो, कंसंट्रेट होकर के देखना। तो सबसे पहले स्माइल को देख लो, सेम पैटर्न है, मैं यहां ले लूंगा आई, अब ईजेएमआर के पैटर्न पर हो जाएगा एम, यहां से मैं ले लूंगा सपोज्ड, चूंकि आपको सेट करना है, इसको डायरेक्ट नीचे ले लूंगा सपोज टू नो, ओके हाउ को मैं सीधे नीचे ले लूंगा, अब ये तो टू सॉल्व इट है, इसको पैसिव बनाना है, इधर से ले लूंगा इट, फिर लिखूंगा सुड, फिर लिखूंगा बी और फिर लिखूंगा सॉल्व। इस तरह से मैं एक्टिव से पैसिव बनाता हूं, इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ जाओ, यहां पर इट इज हिज वर्क, आप इस हिज को ले लो, यहां पर सब्जेक्ट के रूप में लिख लो ही, इज मार्क के आधार पर हो जाएगा इज, ओके सपोज तो आपको जोड़ना ही ऐसे पैटर्न में, ही इज सपोज्ड टू लर्न, ये यहां पर जो इन्फिनिटिव है सो नीचे चला आएगा, हाउ नीचे आ जाएगा, अब इस दैट को इधर लाना है, फिर लिखना है सुड, फिर लिखना है बी और फिर भर का तीसरा फॉर्म डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इट इज हर ड्यूटी, यहां पर हर है, हर को ले लो यहां पर सी, सी के साथ लगा दो इज, फिर आप यहां पर लिखो सपोज्ड, फिर लिखो टू आस्क, इसको आपको लेना है नीचे डायरेक्ट, हाउ को लिखना ही है इट, सुड लिख दो इट सुड बी और फिर यहां पर क्या लिख दो स्टार्टेड, ऐसे करके आप एक्टिव से पैसे बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस में फिर आप देखो यहां पर क्या, इट इज आवर ड्यूटी, तो यहां पर आप ले लो आवर से ले लो यहां पर वी, ईजेएमआर में से लिखो आर, फिर यहां पर लिखो आप सपोज, फिर लिखो टू नो, ओके फिर लिखो यहां पर हाउ है, इसको लिखो हाउ इट सुड बी प्लेड, ऐसे करके आप इसको एक्टिव से पैसे बना सकते हो ऐसे सेंटेंसेस को। सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि आप सेंटेंस को पहचानो, आप पहचानो कि कैसे कि ये सेंटेंस जो है इसी पैटर्न पर बनेगा, तो आपका सेंटेंस इट इज से स्टार्ट रहेगा या इट वाज से स्टार्ट रहेगा, यहां पर पॉजिटिव डिक्टिव होगा, फिर नाउन आएगा, फिर इन्फिनिटिव आएगा, फिर हाउ आएगा, फिर इन्फिनिटिव आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर कोई भी सेंटेंस इस पैटर्न पर आपको मिल जाए, अगर इसी पैटर्न को फॉलो करता है, तो इसी तरीके से आप उसको एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं, आपके सामने आ जाते हैं और आप जो नॉर्मल पैटर्न बेसिक पैटर्न पर एक्टिव से पैसिव बनाते हो उस आधार पर अगर आप इसका आंसर देना चाहोगे तो संभव नहीं, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लेना नोटबुक पर, ताकि आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर सको, फिर मैं नेक्स्ट वीक पर आपको ले चलूंगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन के टाइप को आइडेंटिफाई करना आवश्यक है, अगर आप क्वेश्चन के टाइप को आइडेंटिफाई कर जाते हो तो क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। इसमें देखो होना क्या है, यहां पर ध्यान से देखो, एक सब्जेक्ट आएगा आपके पास, यहां पर वर्ब है, वर्ब के रूप में आपके पास होप है, यहां पर इन्फिनिटिव है आपके पास, इन्फिनिटिव यानी टू प्लस बी वन है, बी टू इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव को भी देखना पड़ेगा आपको, इन्फिनिटिव है, फिर आप देख सकते हो यहां पर एक ऑब्जेक्ट आता है, यानी कोई भी सेंटेंस अगर इस पैटर्न पर बैठ जाए, यानी कि सब्जेक्ट आ जाए, होप आ जाए, होप का कोई भी फॉर्म आ सकता है, इन्फिनिटिव बिट टू आ जाए, फिर ऑब्जेक्ट आ जाए, तो कैसे बनाएंगे इस पैटर्न से पैसिव, ये सवाल आएगा। बड़ा सिंपल है, देखो सबसे पहले आप अपने मन में लो इट, ये प्रेजेंट टेंस में, इसलिए यहां पर लिखो इज, इट के साथ इज लगेगा और इसको भीतरी में तब्दील कर दो होप्ड, ठीक है। अब जोड़ो यहां पर दैट, अब यहां से इस सब्जेक्ट को यहां पर ले लो, सेल भी लो यहां पर, ओके और सेल भी लेने के बाद यहां से वी वन ले लो और फिर लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को यहां पर लिख दो, यानी सेंटेंस हो जाएगा इट इज होप्ड दैट ही विल गेट द प्राइज, ही होप्स टू गेट द प्राइज, वो आशा करता है कि वो प्राइज प्राप्त करेगा, इट इज होप्ड दैट ही विल गेट द प्राइज, ऐसा आशा किया जाता है कि वो प्राइज प्राप्त करेगा, यानी एक्टिव से पैसिव हो गया। पैसिव में भीतरी होना जरूरी होता है और आप देख सकते हो होप्ड जो है भीतरी है यहां पर। ऐसे क्वेश्चंस को मैं बना के दिखाता हूं और ऐसा बनाने से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप भी बड़ी आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, यहां पर लेना है इट ले लो, प्रेजेंट टेंस है यहां पर ले लो इज, इस होप का थर्ड फॉर्म ले लो, यहां पर क्या हो जाएगा होप्ड, ओके यहां पर जोड़ दो दैट, फिर आई को यहां पर ले लो, सेल और बिल में से आई के साथ क्या लगता है सेल, फिर इस टू प्लस वी वन में वी वन ले लो और लिख दो गेट मनी, यानी कि सेंटेंस हो गया आपका इट इज होप्ड दैट आई शैल गेट मनी। फिर आता हूं नेक्स्ट सेंटेंस पर, यहां पर ले लो आप इट ले लिया, फिर यहां पर ले लो इज क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, होप का तीसरा फॉर्म ले लो होप्ड, फिर यहां पर जोड़ दो दैट, फिर इस बी को यहां पर ले लो, वी के साथ सेल लगता है सेल लगा दो, फिर लिख दो सॉल्व और फिर लिख दो दिस, तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा इट इज होप्ड दैट वी शैल सॉल्व दिस, ऐसे करके आप एक्टिव से पैसे बना सकते हो। कुछ क्वेश्चंस और ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, सेंटेंस को पकड़ना मुश्किल होता है, आप सेंटेंस को अगर पकड़ लोगे तो एक्टिव से पैसे बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। ये सब्जेक्ट है, यहां पर होप भर भाई, ये इन्फिनिटिव बिट्टू है और यहां पर जो भी टर्म आना है आने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर ले लो इच, प्रेजेंट टेंस में इसलिए लगेगा इच इसके साथ, होप का तीसरा फॉर्म हो जाता है होप्ड, फिर लिखेंगे दैट, ओके यहां पर दे है, दे आ जाएगा दे,
दे के साथ नॉर्मली विल लगाते हैं, विल फिर लिखेंगे गो, फिर लिख देंगे देयर, और ऐसे करके एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट हो जाता है। फिर अब नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाओ, यहां पर सी होप्स है टू बी रिच, ओके कुछ नहीं करना आपको, लेना इट, इट के बाद प्रेजेंट टेंस इसलिए लिखो यहां पर इज, इज के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म, इसलिए हो जाएगा होप्ड, फिर लगाओ यहां पर दैट, इस सी को ले लो यहां पर सी, सी के साथ नॉर्मली विल लगता है बाकी टर्म को, तो आपको लिख देना है सीधे बी रिच। नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाओ, यहां पर सबसे पहले आप यहां पर ले लो इट, प्रेजेंट टेंस में इसलिए लिखना पड़ेगा इट इज, होप लिखना पड़ेगा, फिर जोड़ने के लिए आपको लिखना पड़ेगा दैट, फिर इस सब्जेक्ट को यहां पर ले लो वी, फिर लिखो यहां पर सेल, और बाकी टर्म को सीधे नीचे डाल दो हेल्प द पुअर, और ऐसे करके आप ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बड़ी आसानी से बना सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि सेंटेंस के पैटर्न को पकड़ना, सेंटेंस के पैटर्न को पहचानना, अगर सेंटेंस के पैटर्न को पहचान लेते हो, अगर सेंटेंस के पैटर्न को पकड़ लेते हो, तो एक्टिव से पैसिव बनाना कोई मुश्किल नहीं होता है। अब सेंटेंस के पैटर्न को कैसे पकड़ेंगे, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आपके पास होप या होप का कोई फॉर्म आ जाए, और फिर इन्फिनिटिव बिग टू आ जाए, फिर आगे चल के कोई भी टर्म आ जाए, तो इस रूल के आधार पर इसको एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको कॉपी पर नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट रूल की तरफ आपको ले चलता हूं। आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन पर, जरा ध्यान से देखो, मैं आपको बतलाता हूं कि कैसे इसको एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। मैं बार बार चर्चा करता हूं कि सबसे पहले आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, अगर सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई कर लो तो फिर उसके पैटर्न को बड़े आसानी से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हो। चलो देखो यहां पर सेंटेंस का पैटर्न क्या है, यहां पर एक सब्जेक्ट है आपका, फिर मेक लगा हुआ है, फिर यहां पर ऑब्जेक्ट है, यानी सेवन डेज मेक अ वीक, इसका मतलब होता है कि सात दिन एक सप्ताह को बनाता है। अगर सेंटेंस इस पैटर्न पर बैठा हुआ हो, सेंटेंस अगर इस पैटर्न को फॉलो करता हो, तो इसे एक्टिव से पैसिव पर आसानी से बना सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं, यहां से आप लेना है ये मेक, आप देखो ये सिमिलर है या प्लुरल, ये ध्यान में रखना होगा, सिमिलर है, मेक है तो प्रेजेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आप यहां पर लिखोगे इज, और पैसिव बनाने के लिए वर्ब का तीसरा फॉर्म देना जरूरी होता है मेड ऑफ, और फिर यहां से इसको लिख दो सेवन डेज। यहां पर देखना गलती एक चीज नहीं करना, कुछ लोग यहां पर बाई लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रखना मेक के साथ बाई प्रीपोजिशन नहीं यूज किया जाता है, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कर दिया था, सेंटेंस हो जाएगा इट इज मेड ऑफ सेवन डेज। सिंपली आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। सेकंड सेंटेंस का आ जाओ, 30 डेज मेक ए मंथ, आप यहां पर आ जाओ लिखो ए मंथ, बिल्कुल लिखो, कुछ टेंशन नहीं, बड़ी आसानी से लिखो यहां पर ए मंथ लिख दो, आप देख लो यहां पर प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते, लिखो इज, फिर मेक का तीसरा फॉर्म हो जाएगा मेड, फिर लगा ऑफ, और फिर लिख दो यहां पर 30 डेज। गलती आप यहां पर करते हो कि यहां पर बाई लगाने की कोशिश करते हैं, पर बाई मत लगाना, ये ऑफ है, इसलिए ऑफ लगाने की कोशिश करना, क्योंकि मेक जो है वो ऑफ की पोजीशन को मॉडिफाई करता है, बाई को मॉडिफाई नहीं करता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ, 12 इयर्स मेक ए ईयर, सॉरी 12 मंथ्स मेक ए ईयर, यहां पर मंथ्स है। अब आपको इसको एक्टिव से पैसिव बनाना है, कुछ नहीं करना है, आप यहां ले लो ए ईयर, ठीक है, आप यहां पर लिखो ए ईयर, ये सिंगुलर इसी लगाओ इज, फिर मेक का तीसरा फॉर्म हो जाता है मेड, फिर लगा दो यहां पर ऑफ, ठीक है 12, और फिर लिख दो मंथ्स, और ऐसे करके आप एक्टिव से पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ, ये हो जाता है सब्जेक्ट, ये हो जाता है वर्ब, और ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यहां पर ले लो, तो क्या लिखोगे आप, ए ग्रुप, लिख दो ए ग्रुप, फिर इज में से क्या लिखोगे इज, मेक का तीसरा फॉर्म होता है मेड, फिर लगा दो ऑफ, और फिर लगा दो मोर देन टू पर्संस। दोस्तों अगर इस प्रकार से सेंटेंसेस आपके सामने आ जाए, तो आप इसको एक्टिव से पैसिव इसी पैटर्न पर बनाना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, अनेकों पैटर्न्स पर मैं काम करूंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले क्लास में मैं जब कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की क्लास को अपलोड करूंगा, तो उसमें इसके आगे की चीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। इसको देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए, और आते जी विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए सब्जेक्ट, कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।